व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आपका क्रिकेट टॉक शो की एक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। गाइस ये वाली वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि गाइस जैसे कि आपको पता है कि आईपीएल 2021 खत्म हो चुका है। और गाइस मैं आपको इस वीडियो में ना 6 ऐसे यंग प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा जिन्होंने आईपीएल में काफी अच्छा खासा प्रदर्शन किया और वो आने वाले समय में इंडियन टीम के लिए भी काफी अच्छा खासा खेल सकते हैं। गाइस ऐसे बहुत सारे नेम है, जसप्रीत बुमराह, युजी चहल, हार्दिक पांड्या और बहुत सारे नेम्स हैं जिन्होंने गाइस आईपीएल के दम पर ही इंडिया टीम में जगह बनाई है। तो गाइस इस वीडियो में वो आपको 6 प्लेयर्स बताने वाला हूं जिन्होंने इस वाले आईपीएल में काफी अच्छा खासा प्रदर्शन किया है, सभी को प्रभावित किया है। तो गाइस वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइस अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी कर लीजिए, इस चैनल पर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहती हैं। और गाइस मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं कि गाइस इस बार जो है ना वो आईपीएल, मैंने पूरा आईपीएल एमपीएल पर टीम बनाई है और अभी T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, तो मैं एमपीएल पर ही जो है वो फैंटेसी क्रिकेट खेलने वाला हूं और मैंने बहुत सारे पैसे जीते हैं, तो आप लोग भी जीतना चाहते हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए गाइस भी टाइम वेस्ट ना किए बिना करते हैं वीडियो की शुरुआत। गाइस नंबर एक पर मैंने रखा है ऋतुराज गायकवाड़ को। जी हां गाइस 16 मैचेस इन्होंने खेले, 635 रन बनाए, ऑरेंज कैप के साथ इन्होंने जो है वो अपना जो सीजन खत्म किया है, एक शतक भी जड़ा, काफी प्रभावित किया गाइस ऋतुराज गायकवाड़ ने मुझे। इंडियन टीम का भविष्य हम बोल सकते हैं ऋतुराज गायकवाड़ को। नंबर दो पर गाइस वहां पर है वेंकटेश अय्यर। जी हां गाइस जब आईपीएल इंडिया में हो रहा था वेंकटेश अय्यर का नाम किसी को पता भी नहीं था, लेकिन जैसे आईपीएल का दूसरा लेग शुरू हुआ ना यूएई में, 10 मैचों में 370 रन बनाए इस बंदे ने। वेंकटेश अय्यर के बारे में गाइस मेरे को खास बात ये लगी ना कि अपनी ये विकेट आसानी से देते नहीं है, काफी फंस के खेलते हैं और 3 विकेट भी लिए इन्होंने गाइस, बॉलिंग भी कर सकते हैं। तो ऑलराउंडर तो पहले नहीं है इंडिया के पास, एक हार्दिक पांड्या, जडेजा, 2 ही हैं। हार्दिक पांड्या वैसे नहीं बॉलिंग करते, तो वेंकटेश अय्यर एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। और गाइस नंबर 3 पर मैंने किसको रखा है वो बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि गाइस आप लोग ना एमपीएल पर 99 टीम्स बनाकर खेल सकते हो। जी हां गाइस मैं भी गाइस जो एमपीएल पर टीम्स बनाता रहता हूं, और गाइस जो लास्ट मैच में मैंने टीम बनाई थी ना गाइस, वो टीम गाइस मेरे को 8,000 रुपए का प्रॉफिट देकर गई। काफी प्रॉफिट हुआ गाइस मेरे को, क्योंकि गाइस काफी सारी टीमें बनाता रहता हूं। और गाइस ये आज शाम को जो मैच होना है उसकी बेस्ट प्लेइंग 11 भी आपको साथ साथ स्क्रीन पर दिख रही है। तो गाइस वेट किस बात का कर रहे हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाइए, डाउनलोड कीजिए, खेलिए, पैसे कमाइए, मजे उठाइए। और गाइस एमपीएल पर ना आपको 35 रुपए का सीजन पास मिल जाएगा, जिसको लेकर गाइस आपको ना मेगा कॉन्टेस्ट में एंट्री मिल जाएगी, 12 मैचेस में आपकी फ्री की एंट्री हो जाएगी। तो गाइस इसके बाद अगर मैं नंबर 3 की बात करूं तो वहां पर गाइस मैंने रखा है हर्षल पटेल, पर्पल पटेल को। जी हां गाइस पर्पल कैप विनर है, डेफिनेटली मेरी इस लिस्ट में होना इनका बनता है। 15 मैचेस 32 विकेट लिए इन्होंने, काफी प्रभावित किया गाइस मुझे। और गाइस इनकी ये परफॉर्मेंस की वजह से भी ये इंडिया टीम में अपनी जगह नहीं बना पाए, काफी स्पेशलिस्ट गाइस T20 बॉलर लगे मुझे। स्लोअर बॉल्स का काफी अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, अगर मैं कहूं कि सबसे अच्छा इस्तेमाल करते हैं ये स्लोअर बॉल का तो ये गलत नहीं होगा। एक डीजे ब्रावो को मैंने स्लोअर बॉल्स का काफी अच्छा इस्तेमाल करते हुए देखा है, एक गाइस लसित मलिंगा को देखा है, और तीसरा अभी मैंने हर्षल पटेल को देखा है। नंबर 4 की बात करूं तो गाइस आवेश खान को, 16 मैचेस 24 विकेट्स, हालांकि विकेट्स हर्षल पटेल जितनी नहीं ली, लेकिन प्रभावित इस यंगस्टर ने भी उतना ही किया जितना हर्षल पटेल ने किया है। शुरुआती ओवर्स में आपको विकेट्स निकाल कर देते हैं, डेथ ओवर्स में आपके लिए जो है काफ़ी किफ़ायती साबित होते हैं आवेश खान। नंबर 5 पर गाइस शुभमन गिल को मैंने रखा है, 17 मैच खेले गाइस 478 रन बनाए, वेंकटेश अय्यर के साथ मिलकर काफ़ी अच्छी खासी इन्होंने जो है वो पार्टनरशिप की ओपनिंग पर। KKR का अगर फाइनल में पहुंची है तो इन दोनों की वजह से ही पहुंची है, ये अगर हम ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा। नंबर 6 पर गाइस अर्शदीप सिंह को मैंने रखा है, 12 मैचों में 18 विकेट दिए और इकॉनमी इनका 7 से नीचे रहता है, तो काफ़ी गाइस ये किफ़ायती बॉलर हैं, अंडर प्रेशर में बॉलिंग करते हैं, हमेशा ही डेथ ओवर्स में पंजाब के लिए बॉलिंग करते हैं और ज़्यादा रन नहीं देते, तो ये यंगस्टर पर भी थोड़ी सी अपनी जो है वो सिलेक्टर्स को निगाह रखनी चाहिए। और गाइस आपको क्या लगता है कि ऐसे शेपर कौन से हैं जिन्होंने आईपीएल में इस बार अच्छा प्रदर्शन किया और आपको प्रभावित किया, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और गाइस लास्ट में मैं एक बार फिर बोलना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक एमपीएल पर टीम नहीं बनाई है तो गाइस लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाइए मेरी तरह टीम बनाइए और पैसे कमाइए। और गाइस हमारे इस वीडियो को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।